हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकिंग एग्जाम्स इस समय चल रहे हैं और इसके बाद एसएससी के भी एग्जाम्स हैं, तो इन सभी एग्जाम्स को देखते हुए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन इंग्लिश का हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स ये शुरू कर रहा हूँ। और ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स की एक सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में मैं सभी वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और उससे रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, ये सारे वर्ड्स मैं इसमें कलेक्टिवली कवर करूंगा और एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हम सभी वर्ड्स को पढ़ेंगे। तो ये सीरीज सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स, ना केवल बैंकिंग एग्जाम्स बल्कि एसएससी, एनडीए, सीडीएस, नाबार्ड, इन सभी के लिए ये सीरीज़ हाईली इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसमें मैं पार्ट बाई पार्ट वर्ड्स को डिस्क्राइब करूंगा और सारी सीरीज़ देखिए, सारी सारी सीरीज़ के सारे पार्ट्स देखिए। इस सीरीज़ का ये पार्ट 3 है, तो इसमें मैं आपको 15 से 20 हाईली इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताऊंगा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इस पूरी सीरीज़ को आप ध्यान से देखिए, डेफिनेटली इससे काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। तो ये हिंदू के भी इसमें काफ़ी सारे वर्ड्स मैंने लिए हैं। और अनअकैडमी पर यदि आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये है मेरा रेफरल कोड। इस रेफरल कोड के थ्रू अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी पर लाइव क्लासेस देखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर के साथ, और सारी लाइव क्लासेस आप एक ही सब्सक्रिप्शन लेके सारी लाइव क्लास, सारे सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा रेफरल कोड है और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से अनअकैडमी पर आप मेरी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखिए, एक इसमें वर्ड है, फ्रेजल वर्ब है, विप अप, ठीक है? विप अप, एक्चुअली विप हम बोलते हैं, जो पुराने ज़माने में आपने सुना होगा, राजा महाराजा होते थे तो किसी व्यक्ति को सजा देते थे तो उसको कोड़ा मारते थे, कोड़े से उसको पिटाई करते थे। तो विप अप का मतलब होता है किसी व्यक्ति को एक्साइट करना, टू एक्साइट समवन और समथिंग, और टू कॉज समवन और समथिंग टू फील स्ट्रांग इमोशंस अबाउट समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति को उकसा देना, ठीक है, उसको भड़का देना, तो उसको हम बोलते हैं विप अप। काफ़ी अच्छा ये वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। और इस तरह के फ्रेजल वर्ब्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में और कभी कभी क्लोज टेस्ट में भी काफ़ी यूजफुल ये वर्ड्स रहते हैं। हिज स्पीच विप्ड अप द क्राउड, जैसे आपने नरेंद्र मोदी को सुना होगा, वो विप अप कर देते हैं क्राउड को, क्राउड को एकदम एक्साइट कर देते हैं, एकदम प्रवोक कर देते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं विप अप, ठीक है? इनफॉर्मली इसका यहाँ पर एक सेंटेंस देख सकते हैं आप, टू कॉज और क्रिएट समथिंग। शी वॉज ट्राइंग टू विप अप सम इंथुजियाज्म, शी वॉज ट्राइंग टू क्रिएट सम इंथुजियाज्म, तो इसका मतलब एक कॉज या क्रिएट भी होता है विप अप, ठीक है? तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आया होगा एंड हाईली यूजफुल ये वर्ड है। देखिए, यहां पर एक नेक्स्ट हम इडियम देखते हैं, टू गेट समवन ऑन बोर्ड, टू बी ऑन बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है जैसे बस या ट्रेन में आप चढ़ते हैं, बोर्डिंग करते हैं, जैसे प्लेन्स में बोर्डिंग पास होता है तो उसको हम बोलते हैं बोर्ड। लेकिन इसका एक मतलब और है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, इस सेकंड लाइन में आप देख सकते हैं, बट दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो यूज टू से दैट समवन एग्रीज विद एन आइडिया। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ बोर्ड पर है तो वो एग्री करता है उस आइडिया से, एन ओपिनियन और ए प्लान टू गेट समथिंग डन, इट इज टू गेट अप्रूवल और सपोर्ट फॉर समथिंग, ठीक है? इट्स ए ग्रेट आइडिया बट यू नीड टू गेट साइमन ऑन बोर्ड, मतलब ये एक अच्छा आइडिया है लेकिन साइमन को आपको इसके लिए बोर्ड पर लेना पड़ेगा, उसको एग्री कराना पड़ेगा, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक इट हैपन, यदि इसको आप करना चाहते हैं तो यू नीड टू गेट साइमन ऑन बोर्ड, मतलब उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इट्स ऑफन यूज इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट बट इट कैन बी यूज इनफॉर्मली वेन यू आर ट्राइंग टू कन्विंस अ फ्रेंड टू डू समथिंग। देखिए कितना अच्छा एक नीचे सेंटेंस लिखा है, वी आर थिंकिंग अबाउट हायरिंग अ कार फॉर द वीकेंड एंड ड्राइविंग डाउन द कोस्ट, आर यू ऑन बोर्ड, मतलब क्या आप एग्री हैं इस चीज से, क्या आप चलना चाहेंगे हमारे साथ? वी आर थिंकिंग अबाउट हायरिंग अ कार फॉर द वीकेंड एंड ड्राइविंग डाउन द कोस्ट, हम कोस्टल एरिया पर समुद्र में जाएंगे, एक कार को हायर करेंगे, तो आर यू ऑन बोर्ड, मतलब क्या आप हमारे साथ हैं, क्या आप एग्री हैं इस आइडिया के साथ? तो यहां पर नीचे लिखा भी है, दैट मीन्स डू यू अग्री विद दिस और डू यू वॉन्ट टू बी इन्वॉल्व, आर यू ऑन बोर्ड, ठीक है? ये इसका मतलब है, बहुत ही अच्छा ये इडियम है। वैसे बोर्ड का मतलब होता है प्लेन पर, शिप पर, बस में, ट्रेन में चढ़ना, तो उसको हम बोलते हैं बोर्डिंग। जैसे प्लेन में एक बोर्डिंग पास भी मिलता है प्लेन में जाने से पहले, ठीक है? तो टू गेट समवन ऑन बोर्ड मतलब टू गेट समवन टू टू अप टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम समवन, इसका ये मतलब है।
जंप शिप, क्या मतलब है इसका? टू जंप शिप, जंप शिप का मतलब हम एक ऐसी सिचुएशन के लिए बोलते हैं जंप शिप, जिसमें एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके सामने है और उसको आपको डील करना चाहिए, लेकिन वहाँ से छोड़ के आप चले जाते हैं। ठीक है। ट्रेडिशनली दिस एक्सप्रेशन वॉज यूज ऑन ए बोट व्हेन अ सेलर लेफ्ट अ शिप विदाउट परमिशन। एक सेलर, जहाज का जो सेलर होता था, उस शिप को बिना परमिशन के छोड़ के चला जाता था, तो उसको हम बोलते हैं जंप शिप। लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बट दीज डेज दिस इडियम इज ऑफन यूज वेन समवन लीव्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन वेन रियली दे शुड स्टे एंड डील विद इट। तो ये इसका मतलब है, जिस सिचुएशन को आपको डील करना चाहिए और आप उस सिचुएशन को छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जंप शिप। इफ आई गॉट ऑफर्ड द सेम जॉब बट विद ए हायर सैलरी, ऑफ कोर्स आई वुड जंप शिप। ठीक है। तो इस सेंस में भी हम इसका यूज करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज वेन ए पर्सन डिजर्ट समवन और ए ग्रुप ऑफ पीपल, लीविंग देम टू डील विद ए प्रॉब्लम। समझ, एक ग्रुप है और उसमें एक ग्रुप को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कुछ लोग वहाँ से छोड़ के चले जाते हैं और आपको अकेला छोड़ जाते हैं प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जंप शिप। ठीक है। या अचानक से किसी चीज़ को छोड़ देना, जंप शिप कर देना। आई थिंक दैट यू शुड जंप शिप नाउ बिफोर बिफोर द फंडिंग कैट्स आर मेड। तो ये भी इसका मतलब है, द स्पीकर इज कंसिडरिंग लीविंग द कंपनी दैट दे वर्क फॉर एंड लुकिंग फॉर अनदर जॉब। अपनी कंपनी को छोड़ना और दूसरे दूसरी कंपनी में जाना, उसको भी हम जंप शिप बोलते हैं। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है। नेक्स्ट देखिए, ये भी सेलिंग से रिलेटेड है, स्मूथ सेलिंग। यदि कोई काम को करना आपके लिए सरल है, मैनेजेबल है, तो उसको हम स्मूथ सेलिंग बोलते हैं। सेलिंग का मतलब होता है जहाज को चलाना, जैसे पतवार से जहाज को चलाते हैं। तो स्मूथली यदि जहाज चल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं स्मूथ सेलिंग। लेकिन इसका फिगरेटिव मीनिंग जो निकलता है, वो ये निकलता है कि समथिंग इज इजी एंड मैनेजेबल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाउ दिस फ्रेज इज यूज एज एन एडजेक्टिव टू से दैट समथिंग इज इजी और मैनेजेबल। प्रोग्रेस इज बीइंग मेड, एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। वी हैड सम प्रॉब्लम अर्ली ऑन बट इट्स बीन स्मूथ सेलिंग, वी हायर्ड अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है। मतलब शुरुआत में प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से हमने हायर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर किया है, तो इट्स बीन स्मूथ सेलिंग सिंस देन। मतलब तब से ये सरल हो गया है हमारे लिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल सेंटेंसेस मैंने काफ़ी लिए हैं। ग्रेट वर्क एवरीवन, बट इट्स नॉट स्मूथ सेलिंग येट, वी हैव स्टिल गॉट टू ट्रक लोड्स टू अनलोड बिफोर 9 o'clock। तो स्मूथ सेलिंग का ये मतलब होता है। ये भी एक अच्छा वर्ड है, पिंग। पिंग का मतलब मैसेज करना भी होता है, और कंप्यूटर में एक पिंग स्पीड भी होती है, डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड होती है, सर्वर से डेटा आपके कंप्यूटर तक आता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पिंग स्पीड। पिंग का मतलब किसी को इन्फॉर्म करना या मैसेज करना भी होता है। पिंग मी व्हेन यू गेट अ चांस। ठीक है। तो ये भी एक पिंग का मतलब है, काफ़ी अच्छा एक ये सेंटेंस है, का अच्छा वर्ड है। रेल अगेंस्ट, क्या मतलब है इसका? रेल अगेंस्ट का मतलब है टू अटैक विद हार्श ऑफन इंसल्टिंग लैंग्वेज। किसी व्यक्ति पर अटैक करना इंसल्टिंग लैंग्वेज के साथ, उससे गलत लैंग्वेज में बात करना। टू अटैक विथ हार्श ऑफन इंसल्टिंग लैंग्वेज, रेल अगेंस्ट, रेल अगेंस्ट समथिंग, ये इसका मतलब होता है। टो द लाइन, इसका क्या मतलब है? टू डू व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू, टू डू व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू विदाउट कॉजिंग ट्रबल फॉर एनीवन। तो जो आपको करना है वो करना, एक्सेप्ट द अथॉरिटी, अथॉरिटी को मानना। ठीक है। कंफर्म करना या ऑबे द रूल्स या कंप्लाई विद द रूल्स, इसको हम बोलते हैं टो द लाइन। टो द लाइन, एडियर टू द रूल्स भी हो सकता है। ठीक है। चलिए कुछ वर्ड्स और देख लेते हैं। प्रिसिपिस, इसको हम प्रिसिपिस पढ़ेंगे, और क्या मतलब है इसका? प्रिसिपिस का PRECIPIC, अ डेंजरस सिचुएशन दैट कुड लीड टू हार्म और फेलियर। एक डेंजरस सिचुएशन जो आपको हार्म या फेलियर की तरफ ले जा सकती है। दिस लेटेस्ट टैक्स इंक्रीज मे पुश मैनी स्मॉल कंपनीज ओवर द फाइनेंशियल प्रिसिपिस। ठीक है। ये जो टैक्स का इंक्रीज है, इससे काफ़ी सारी कंपनीज फाइनेंशियल प्रिसिपिस में फंस सकती हैं, फाइनेंशियल डेंजर में फंस सकती हैं। पिसिफिस्ट हम बोलते हैं हाइकर को। अ हाइकर स्टैंड ऑन टॉप ऑफ ए क्लिफ। ठीक है। तो एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है, और एक ये वर्ड है। एक ही स्लाइड में मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स लिए हैं। कॉन्स्टरनेशन, कॉन्स्टरनेशन का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी और ट्रेपिडेशन और एंग्स्ट।
चिंता फिक्र, ठीक है, कॉन्स्टर्नेशन उसको हम बोलते हैं, एंग्जाइटी इसका एक मीनिंग है, ट्रेपिडेशन एंड एंग्स्ट, इसके लिए ये सारे वर्ड्स हैं, कॉन्स्टर्नेशन। इरेंड का क्या मतलब है? छोटे मोटे काम करने के लिए जैसे हम जाते हैं दुकान, दुकान पर जाते हैं, बार 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 सामान लेके आते हैं, इरेंड, रन इरेंड उसको हम बोलते हैं, टास्क, ठीक है, टास्क इसका इक्विवेलेंट हो सकता है। और इरेंट हम किसको बोलते हैं? इरेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो गलती करता है, वन हु मेक्स मिस्टेक, इसको हम डेलिनक्वेंट भी बोलते हैं, डेलिनक्वेंट, डेलिनक्वेंट, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो प्रिसिपिस हुआ एक डेंजरस सिचुएशन, प्रिसिफिस्ट हुआ अ हाइकर, एरेंड हुआ छोटे मोटे काम करने के लिए जाना कहीं पर, और एरेंट, एरेंट हुआ द पर्सन हु मेक मिस्टेक। तो इस तरीके से सीरीज में मैं हाईली इंपॉर्टेंट वर्ड्स कवर करूंगा, और इस पूरी सीरीज को आप ध्यान से देखिए, मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो क्लासेस हैं उनको भी आप जरूर देखें, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम्स के लिए डेफिनेटली हाईली यूजफुल आपके लिए रहेंगे। ये कुछ वर्ड्स हम और डिस्कस करते हैं। प्रीकेरियस मतलब जो स्टेडी नहीं है, जो शेकी है, जो हिल रहा है, जो मजबूत नहीं है, जो क्रिटिकल सिचुएशन में है, दैट इज कॉल्ड प्रीकेरियस, ठीक है। जैसे कोई टॉवर है या कोई बिल्डिंग है जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, वो अनस्टेडी है या हिल रही है, शेकी है, तो उसको हम बोल सकते हैं प्रीकेरियस, यानी क्रिटिकल सिचुएशन में है या डेंजरस सिचुएशन में है, ठीक है। एक ये वर्ड है इनकार्सिरेशन, इनकार्सिरेशन इसका मतलब क्या है? इनकार्सिरेट इसका मतलब जे, ये वर्ब फॉर्म है इनकार्सिरेट, और इनकार्सिरेशन जो है ये नाउन फॉर्म है इनकार्सिरेशन। टू पुट समबडी इन जेल, किसी व्यक्ति को जेल में डाल देना या कन्फाइन कर देना, कन्फाइन का क्या मतलब? उसको सीमित कर देना, ठीक है, इनकार्सिरेशन। और एक ये वर्ड है इंडिग्नेंट, जिसका मतलब होता है एंग्री, और इसको हम अप इन आर्म्स भी बोल सकते हैं, इसको हम इन ए हफ भी बोल सकते हैं, और इसको हम रिजेंटफुल भी बोल सकते हैं। रिजेंटफुल का मतलब होता है अपसेट, नाराज, रिजेंटफुल, ठीक है। और ये वर्ड है इंडिजेंट, जिसका मतलब होता है पुअर या नीडी या डेस्टिट्यूट या गरीब, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड होता है पॉपर, PAUPER, जिसको जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कंगाल। तो इम्पेक्यूनियस, इम्पेक्यूनियस, पिक्यूनरी जो होता है ये गरीबी से रिलेटेड है, पिक्यूनरी, तो इम्पेक्यूनियस मतलब गरीब व्यक्ति, इम्पेक्यूनियस, ठीक है। तो आगे के वर्ड्स मैं इस सीरीज के जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इन वीडियो क्लासेस को आप बार बार देखिए, ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और अन अकेडमी पर यदि मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी टेस्ट सीरीज आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक्स भी मेरे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, सारी टेस्ट सीरीज बेस्ट हैं। वहाँ पर मैंने दो लिंक्स दिए हैं, एक्चुअली दो टेस्ट सीरीज हैं, और कोई सी भी आप लें, दोनों ही काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज हैं। तो ये मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है इसके बारे में कमेंट जरूर करें और बताएं मुझे कि ये सीरीज़ कितनी कितनी यूजफुल आपके लिए रहेगी, ताकि मैं इसको कंटिन्यू करूं, और इसके कम से कम 20 पार्ट मैं बनाने की सोच रहा हूं, जो कि एसएससी और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हाईली यूजफुल रहेंगे, क्योंकि वोकेबलरी एक सेंट्रल पार्ट होता है, और वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग है तो इंग्लिश सेक्शन आपके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि सीरीज़ आपको कैसी लग रही है और कितनी इससे हेल्प मिल रही है, और मेरे नंबर्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे, तो कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।